नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म विद हायर पेयर के साथ। कुट्ज़बैक जो हमने क्रिटीरियन पढ़ा था, जो कुट्ज़बैक क्रिटीरियन है, उसके अंदर हमने एक इक्वेशन देखी थी। वो इक्वेशन क्या थी? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो इक्वेशन थी लिंक और जॉइंट और हायर पेयर के साथ, वो क्या थी? वो थी 3L-1, ये लिंक है यहाँ पे, -2J ये जॉइंट है यहाँ पे, और -H ये हायर पेयर है यहाँ पे। तो जो कुट्ज़बैक जो क्रिटीरियन था उसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी प्लेन मैकेनिज्म के लिए, जिसमें हायर पेयर नहीं था। आज हम देखेंगे कि हायर पेयर भी है इसमें। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई हैं, एन यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एल लिंक है, जे जॉइंट है, एच हायर पेयर है। अब यहाँ पे पहली फिगर ये है और दूसरी फिगर ये है, इन दोनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर फर्स्ट है, इस फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए कितने लिंक हैं। तो इसके अंदर जो एक ये लिंक है, जो नीचे वाला ये लिंक है, एक ये लिंक है दूसरा, और एक ये लिंक जो है तीसरा। तो यहाँ पे लिंक कितने बनते हैं? लिंक बनते हैं तीन। उसके अलावा अब यहाँ पे जॉइंट हम देखते हैं, जॉइंट कितने हैं? एक दो। तो जॉइंट कितने हैं यहाँ पे? जॉइंट रहेंगे दो। और हायर पेयर कितने हैं यहाँ पे? इस तरह के जो कि हमारे पॉइंट कॉन्टैक्ट है या लाइन कॉन्टैक्ट है इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे हायर पेयर है एक, तो यहाँ पे इसके लिए तो ये बनती है। इसी तरह से इस फिगर में देखिए लिंक कितने हैं, एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, और ये जो है आ गया चार लिंक। लिंक कितने हैं? चार हैं। जॉइंट कितने हैं? एक जॉइंट, उसके बाद दो जॉइंट, उसके बाद ये तीन जॉइंट। तो यहाँ पे जॉइंट कितने हैं आपके पास? तीन हैं। और हायर पेयर, अब यहाँ पे जो हायर पेयर है वो कितना है? ये जो कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे, ये हायर पेयर है एक है। तो इस तरह से हायर पेयर एक है। तो इसके लिए लिंक फोर, जॉइंट थ्री, और हायर पेयर एक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये जो चीज़ें हैं पुट करके देखते हैं, इसके लिए और इसके लिए जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आती है। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख लेते हैं, n इक्वल टू 3L-1। 3L कितना है यहाँ? 3-1 माइनस 2 इंटू जे कितना है? 2। और हायर पेयर कितना है यहाँ पे? -1। तो यहाँ पे L, J और H की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि H की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे N किसके बराबर आएगा? 3-1 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और -2 × 4 − 1। अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 × 6 − 4 − 1, ये कितना हो गया? -5। और इसको 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जो n है वो किसके बराबर आ गया? 1 के। यानी कि जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे n आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। 3L कितना है? 4-1 माइनस 2। J कितना है? इंटू 3 माइनस एच कितना है? हायर पेयर 1 है। तो J, H और L की वैल्यू इसके लिए पुट कर दी। एन की वैल्यू देखते हैं, 3, 4-1 कितना आ गया? 3। 2 × 3 कितना आ गया? 6। और ये -1 तो है ही। अब यहाँ पे 3 × 9 -6 और -1 -7, यहाँ पे आ गया 2। यानी कि एन की वैल्यू आ गई इस केस के लिए 2, इस केस के लिए आई 1। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 क्यों आई? यहाँ पे 2 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे स्लिपिंग भी होगी। जो ये व्हील है यहाँ पे, जब ये रोटेट करेगा इसके साथ, जब मूव करेगा, स्लिप भी होगा। तो अगर लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग को हम अवॉइड कर दें, यानी कि फ्रिक्शन इतना ले लें कि ये स्लिप करे ही ना, स्लिप करने ही ना दे, इतना फ्रिक्शन हो इन दोनों के बीच में, सरफेस और इस व्हील के बीच में, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस जॉइंट के लिए हम 1 ले लेंगे। लेकिन फिलहाल हम मान रहे हैं कि यहाँ स्लिपिंग है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 2 आई है, कि स्लिपिंग भी होगी और मूव भी करेगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर मूवेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म विद हायर पेयर कुट्ज़बैक क्रिटीरियन की एक एप्लीकेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।